नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सोमवार को आगरा के नगर निगम में विजयवाड़ा से एक डेलीगेशन आया था। डेलीगेशन का स्वागत केंद्रीय मंत्री और आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल और महापौर नवीन जैन ने उनका हार फूल पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद डेलीगेशन ने आगरा स्मार्ट सिटी कार्यालय का निरीक्षण किया और साथ ही स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक ली। प्रयागराज हिंसा पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धार्मिक संगठनों और प्रगतिशील पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टिकरण करती हैं, उनके नेताओं की साजिश के तहत पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर नमाज पढ़ने आए नमाजी लौटते वक्त उपद्रवी बनकर लौटे। ऐसा करके उन्होंने जुमे को जो पवित्रता होती है उसको पूरी तरह से अपमानित किया है। अगले जुमे की नमाज को कोई चूक ना हो उसके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद की जाएगी। साथ ही गैर कानूनी कार्य करने वाले लोगों को नसीहत भी दी। आगरा पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। एक और गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की गई है। फरीद पहलवान उर्फ फरीदुद्दीन तमीजुद्दीन की संपत्ति कुर्क की गई। ताजगंज स्थित राष्ट्रीय अपार्टमेंट में फ्लैट की कुर्की हुई है। थाना मंडोला में 15 मुकदमे उस पर दर्ज हैं। एतमदौला से गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। फरीदुद्दीन उर्फ फरीद पहलवान नाम का ये व्यक्ति है जिसके यहाँ कुर्की की जा रही है और थाना मंडोला में इसके विरुद्ध गैंगस्टर पंजीकृत है और इनके विरुद्ध करीबन 15 मुकदमे हैं और ये सट्टा और मारपीट करने के आदि हैं और सट्टे के कारोबार में जो मारपीट का योगदान होता है जिसके कारण सट्टे की कमाई होती है वो इसका एक अहम अंग है और इनके विरुद्ध कुर्की की जा रही है। डीएम महोदय के डीएम सर के आदेश के अनुसार लगभग 38 लाख की संपत्ति इनकी कुर्क की जा रही है जिसमें इनका ये पीछे दिखता हुआ फ्लैट है, साथ में 2 मोटरसाइकिल और एक इनका बैंक अकाउंट है जिसको कुर्क किया गया है। ऐसे जो भी अपराध से संपत्ति को अर्जन करेगा उसकी कुर्की होगी और मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं कि सभी कानून का पालन करें। आगरा फतेहाबाद पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई। अवैध कारतूस का व्यापार करने वाले गैंग के 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 2 अवैध तमाचा, 36 कारतूस, 1 बाइक बरामद की है। अपराध करने वालों को लगातार ये सप्लाई किया करते थे। और कारतूस अवैध कारतूस विक्रय का काम करते हैं बदमाशों को उनके उन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 2 तमंचे, 1 बिना नंबर की मोटरसाइकिल और 46 315 बोर के कारतूस बरामद हुए हैं। इसमें जो अभियुक्त विक्रम है वो धौलपुर में खनन का ट्रैक्टर चलाता है और ये इसके द्वारा ये बताया गया है कि ये कम दामों पे कारतूस खरीदते हैं और उसके बाद उस बढ़े हुए दामों पर कुछ ऐसे लोगों को बेचते हैं जिन्हें अवैध असला रख के कारतूसों की जरूरत होती है। यूपी बोर्ड द्वारा हाई स्कूल के 4 छात्राओं को अंक न देने पर विद्यार्थियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थियों ने चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस की अगुवाई में सोमवार को जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम हस्ताक्षर अभियान चलाकर डीएम प्रभु नारायण सिंह से मुलाकात कर उनके सामने अपनी व्यथा को बताया है। तख्तियां और नारे लगाकर बच्चों ने मुख्यमंत्री से अंकों की मांग भी की है। सत्र 2020-21 में यूपी बोर्ड ने कहा था कि जिन बच्चों के हाई स्कूल और हाई स्कूल की प्री बोर्ड और नाइन्थ के एग्जाम के आधार पर उनको मार्क्स दिए जाने थे लेकिन उसमें से कुछ स्कूलों ने मार्क्स नहीं भेजे थे और जिसकी वजह से बच्चों को प्रमोटेड कर दिया गया तो उनको मार्क्स नहीं भेजे गए थे। तो ऐसे में जब जानकारी की गई तो यूपी बोर्ड ने कहा कि इन बच्चों ने जिन स्कूलों ने मार्क्स भेजे थे बच्चों के उनको हमने मार्क्स दे दिए, जिन्होंने नहीं भेजे थे उनको केवल प्रमोटेड किया गया। अलीगढ़ शहर के नामचीन रेस्टोरेंट गणपत चाट भंडार पर ग्राहकों को जाने वाले खाने में कीड़े निकलने से ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल जो खाना दिया गया था उनमें कीड़े निकले हैं जिसकी वजह से वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। वहीं खाने के दौरान होटल स्टाफ द्वारा ग्राहकों को परोसी गई पाव भाजी में कीड़े निकलने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। अलीगढ़ के सर बड़े बाजार में एक गणपत चाट वाले भंडार की दुकान है, उसकी दुकान में खाने में कीड़े निकलने क्या है पूरा मामला? देखिए ऐसा है, मेरे संज्ञान में आज ही आया है
इस संबंध में, तो मैंने तुरंत अपने विभाग की टीम अधिकारियों की भेजी है वहाँ पर, और वो जांच करने के लिए वहीं गए हुए हैं। जांच करने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। नेताजी सर उससे बातचीत की गई तो उसका कहना भी है कि यहाँ पर कस्टमर आए थे लोगों के खाने में कीड़े निकले हैं, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, जांच के लिए टीम गई है, जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। कल हमारे यहाँ कस्टमर आए थे, उन्होंने पाव भाजी ली थी, अब वो पाव में कोई कीड़ा निकल आया, तो पाव हमारे यहाँ बनते नहीं है, पाव हमारे यहाँ ईगल वालों के यहाँ से आते हैं। ये डेली आते हैं पाव। आपके जो स्टाफ है, यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं, तो कहते हैं उनकी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। ऐसा है, वो अंदर निकला है अंदर। नुपुर शर्मा के विरोध में कैंडल मार्च निकालने वाले एमयू प्रोफेसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एमयू के कई दर्जन कर्मचारी प्रोफेसरों ने छोटे बच्चों को साथ लेकर कैंडल मार्च निकाला था। इस मामले को अलीगढ़ पुलिस ने संज्ञान में लिया है, और आगरा जोन के अपर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों को आगे विरोध प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, हमारे यहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम की कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। यहाँ सर काफी जो शॉर्टर हाउसेस वगैरह है, वहाँ पर स्पेसिफिक जानकारी मुझे आती है, जनरल बातें तो होती है, बट अलग ओवरऑल पर्सपेक्टिव में होता है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बट डेफिनेटली रोहिंग्या मुस्लिम एक MHA द्वारा दिया गया एक प्रायोरिटी एरिया है, और उस प्रायोरिटी एरिया में जब भी कोई इंटेलिजेंस डेवलप होती है या कोई जानकारी मिलती है, तो जो एक विधि सम्मत कार्रवाई है वो किया जाए। बुलंदशहर में कांग्रेस के पूर्व जिला महासचिव शकील नेता को नई दिल्ली में रैली करते समय पुलिस ने गिरफ्तार किया। कांग्रेस पार्टी के मुखिया सोनिया गांधी और राजीव बता दें कि इस पूरे मामले में सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने नोटिस जारी किया था। नोटिस के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष लल्लू राम के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन रैली निकाली। रैली प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष लल्लू राम के साथ हजारों कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। देवरिया जिले में बड़ी खबर सामने आई है, जहां पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। वह घटना में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मामला रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के महाराजगंज गांव का बताया जा रहा है। ये देवरिया जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र में महाराजगंज गांव का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति ने आपसी विवाद में एक धारदार हथियार से तीन व्यक्तियों पर हमला किया, जिनमें दो व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई। तीसरे व्यक्ति को पुलिस द्वारा तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसकी हालात स्थिर हैं। इस प्रकरण में थाना रुद्रपुर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, और जो मुख्य अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदू समाज के लोगों ने पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में नुक्कड़ सभा कर हिंदू समाज से एकजुट होने का आह्वान किया। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हिमांशु सरकार के निवास पर एक सभा के दौरान भाजपा कार्यकर्ता के साथ हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सभी वक्ताओं ने कहा कि नुपुर शर्मा ने कोई गलत बयान नहीं दिया है, उन्होंने कुरान में पैगम्बर मोहम्मद के बारे में जो लिखा है उन्हीं शब्दों को दोहराया है। नुपुर शर्मा जी को साथ जो अन्याय हो रहा है, पूरा दुनिया में जितनी इस्लामिक स्टेट है सब नुपुर शर्मा जी को जो धमकियां दे रही है। नुपुर शर्मा ने ऐसी कोई गलत बात नहीं कही, जो उनके हदीस में लिखा है वही कहा। उनको उकसाया गया, जो रहमान तस्लीम रहमानी ऐसा कुछ नाम है कोई मौलवी, उनको उकसाया, उनकी बात उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुआ, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। नुपुर शर्मा जी को पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान, पूरा दुनिया के मुसलमान उनको धमकियां दे रही है। तो हम ये जो सभा कर रहे हैं इसका इसीलिए कि हम नुपुर शर्मा की साथ है। आप में से बहुत से लोगों ने फिल्मी कलाकारों की दीवानगी काफी बार लोगों में सर चढ़कर बोलती देखी होगी, लेकिन किसी राजनेता या किसी मुख्यमंत्री की इतनी ऐसी दीवानगी नहीं। अलीगंज निवासी यामिन सिद्दीकी से आपका तारुफ करा देते हैं,
जो फर्रुखाबाद और मैनपुरी के बॉर्डर पर स्थित तहसील अलीगंज का कस्बा सराय अगस्त निवासी है। यामिन सिद्दीकी का कस्बे में फुटवेयर का व्यापार है। यामिन की दीवानगी योगी आदित्यनाथ के प्रति इतनी बढ़ती चली गई कि योगी के जन्मदिन पर योगी को विशेष उपहार देने के लिए अभी पिछले दिनों अपने शरीर पर योगी आदित्यनाथ का टैटू बना लिया। हालांकि यामिन की मुलाकात अभी तक योगी आदित्यनाथ से नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में यामिन योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनका टैटू उनको दिखाना चाहता है। सफारी पार्क में स्किन कैंसर की बीमारी से ग्रस्त शेर मनन की मौत हो गई है। स्किन कैंसर की बीमारी से निजात दिलाने के लिए शेर को एंटी पायरेटिक दवाओं के साथ फ्लूड थेरेपी दी जा रही थी। शेर मनन को 11 अप्रैल 2014 में गुजरात के जूनागढ़ से लाया गया था। शेर के निधन से सफारी प्रशासन में शोक की लहर है। चलते डंपर में भीषण आग लग गई। चालक ने चलते डंपर से कूदकर अपनी जान बचा ली। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांदा से मोरम लादकर फतेहपुर की ओर यह डंपर जा रहा था। 2 घंटे बांदा सागर मार्ग पर बाधित रहा। ललौली के सिद्धाव गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। गदरपुर के कोपा ग्राम सभा के ग्रामीणों ने विगत दिनों आई आंधी तूफान और नुकसान से लोगों के पात्र व्यक्ति को छोड़कर प्रशासन ने अपात्र लोगों को चेक दिए जाने के बाबत तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर ग्राम प्रधान मनोज तिवराड़ी ने बताया कि कोपा के अनेक ग्रामीणों को राहत राशि जो कि आपदा के तहत चेक मिलते हैं वो नहीं मिले हैं और गदरपुर के जनप्रतिनिधि के दबाव में तहसील प्रशासन ने भी अपात्र लोगों को चेक का वितरण कर दिया जो कि पूरी तरह से गलत है। मनोज जी, आज आप लोग तहसील प्रसारण में आए हैं, आपने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा? ये आज हम ग्रामीण सारे आक्रोशित होकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व आपदा के अंतर्गत कुछ परिवारों को बहुत नुकसान हुआ था, जिसकी सर्वे लेखपाल महोदय को हमारे द्वारा लगभग 10 बार कॉल करने पर बुलाया गया, जबकि 5वें दिन वो ग्राम सभा के अंदर चोरों की तरह घुसे थे और मेरे द्वारा उनको और वो लेखपाल मुकेश कुमार जी हैं और उनको हमने फोन करा कि आप हमारी ग्राम सभा में आइए, तो 4थे दिन चोरों की तरह वो ग्राम सभा में घुसे और हमारे द्वारा उनसे बोला गया कि आपने हमको अवगत क्यों नहीं कराया, तो वो ये बोलते हैं कि एसडीएम साहब से बात कीजिए, मैं अपने हिसाब से सर्वे करूंगा, जबकि मैंने उनको ये बोला कि ग्राम सभा का प्रथम नागरिक मैं हूं और मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा कौन परिवार पीड़ित है, आप उनको चेक करो और आपकी नजर में अगर वो अपात्र होता तो आप उसको कैंसिल कर दीजिएगा। सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद बिना अनुमति के जुलूस एवं प्रदर्शन करने और हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एसपीटी राजेश कुमार के अनुसार उद्रवी मुजम्मल निवासी 62 रोड और अब्दुल वाकी निवासी खाताखेड़ी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नमाज के बाद जो कुछ शरारती तत्वों द्वारा उपद्रव किया गया था, जिसमें एक अभियोग दर्ज करते हुए इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अब तक 54 लोग गिरफ्तार हुए हैं और हम उन्हीं को गिरफ्तार कर रहे हैं जो शामिल रहे हैं, ताकि किसी निर्दोष का उत्पीड़न न हो। सारे वीडियो फुटेज के आधार पर उनमें से अभी 2 जो सक्रिय रहे हैं उपद्रव में, उनको चिन्हित करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। उन पर अन्य कार्रवाई भी हम कर रहे हैं कि उन्होंने उनका जब उनके यहाँ दबिश की तो पाया गया कि उनका घर अवैध रूप से बना हुआ, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि वो फिर कभी इस तरह का अपराध करने से पहले सोचे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ कर रहे हैं। ये कार्रवाई कब की जाएगी? ये कार्रवाई अभी आज हुई है और बाकी अन्य को भी हम चिन्हित कर रहे हैं। बीजेपी में शामिल हुए दीपक बाली। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित हुआ सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दीपक बाली ने इस्तीफा दिया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदस्यता दिलाई है। करीब 1 महीने तक आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं दीपक बाली, अब बीजेपी में मुख्यमंत्री की अगुवाई में शामिल हो गए हैं। जुमे की नमाज के बाद हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर सहारनपुर पुलिस ने 84 लोगों को गिरफ्तारी कर ली है। बिना इजाजत विरोध प्रदर्शन किए जाने को लेकर एनएसए की बड़ी कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। इसी को लेकर इमरान मसूद एसएसपी सहारनपुर से मिलकर
गुहार लगाई है कि गाजर चोर को जूतों की सजा मिलनी चाहिए फांसी की नहीं, जिसके बाद इमरान मसूद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने एसएसपी सहारनपुर से मिलकर कहा है कि जिसने जितना जुर्म किया है उसको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। इसको लेकर एसएसपी आकाश तोमर ने इमरान मसूद को आश्वासन भी दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना सहारनपुर में जुमा को हुई और हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हमने कप्तान साहब से निवेदन किया कि गाजरों को चोर को जूती की सज़ा मिलती है, फांसी की नहीं। तो जितना जिसका जुर्म है उसको उतनी सज़ा मिल जाए, और आपने गिरफ्तारी भी कर ली बहुत सारी और मुकदमे बहुत संगीन धाराओं के अंदर आपने लिखकर जेल भी भेज दिया। एक जो बार बार आ रहा था कि NSA लगाई जाएगी, तो मैंने निवेदन किया कि ये कृत्य जो इस तरह का जो कार्रवाई है उस कार्रवाई से कम न्याय तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत सीधी सी मिसाल है कि गाजरों के चोर को जूती की सज़ा, जिसने जितनी खता की है उसको सज़ा मिल जाए। सहारनपुर में पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। थाना बड़गांव पुलिस ने ग्राम सुबरी विकास की हत्या करने वाले एक शातिर हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार हत्यारोपी अभिजीत के कब्जे से एक देशी तमंचा 315 बोर का और एक खोखा कारतूस 315 बोर, 4 अदद ना कारतूस बरामद किए हैं। श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में जा पलटी। बस चालक को अचानक नींद की झपकी आने से हादसा हो गया। बस में 50 से ज्यादा श्रद्धालु महाराज से केदारनाथ की ओर जा रहे थे। एक दर्जन से अधिक बस सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सहारनपुर में धर्मेंद्र प्रजापति जिला कारागार पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश सरकार में जेल मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रजापति जिला जेल में कैदियों के योग कार्यक्रम में शामिल हुए। पद्मश्री योग गुरु भारत भूषण ने बंदियों को योग का महत्व बताया। इसके बाद जेल मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रजापति ने बंदियों को दवाएं और चश्मे का वितरण किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी, वरिष्ठ जिला अधीक्षक अमिता दुबे, जेल अधीक्षक राजेश पांडे भी मौजूद रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमार प्रथम की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय सोनभद्र परिसर में आगामी 3 जुलाई को होने वाले आर्बिट्रेशन विशेष लोक अदालत के लिए न्यायिक अधिकारियों और विद्वान अधिवक्ताओं के साथ प्री ट्रायल किया गया, जिसमें आगामी आर्बिट्रेशन विशेष लोक अदालत में वादों का सुलह समझौता के आधार पर अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारित किया जा सके। दिनांक 3/7/2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने आर्बिट्रेशन के मुकदमों के लिए लोक अदालत का आयोजन किया है। यह लोक अदालत विशेष लोक अदालत होगी जो केवल आर्बिट्रेशन के मुकदमों के लिए होगी। उस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आज प्री ट्रायल का आयोजन किया गया था। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने संभल में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नमाज के बाद पत्थर गलत है, कड़ी कार्रवाई होगी, सब सुन में आ जाएगा। वहीं उन्होंने अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि अधिकारी कान खोलकर सुन लें कि किसी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी भी सुनते मनमानी करेंगे, इसे सुधारने का काम सरकारी सिस्टम भी करेंगे। कार्यकर्ताओं की जायज और उचित बात का सम्मान होना चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो जनता की सेवा के लिए है। अगर राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति की बात नहीं सुनी जाएगी तो हमारी आवश्यकता क्या थी, ऐसी ना चला देते देश को। जनता की बात सरकारी कर्मचारी अधिकारी तक पहुंचाने का अधिकार कार्यकर्ता का है। कार्यकर्ता नींद की भैंस के बिना कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है तो उसकी नींव में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है जो ना कभी विधायक बने, ना सांसद बने, ना किसी पदों पर। तो आज इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में जून की भयंकर तपती दोपहरी में आप सब लोग पहुंचे हैं,
यह दिखाता है कि आपके मन में नरेंद्र मोदी के प्रति और योगी आदित्यनाथ के प्रति जो सम्मान है, जो प्यार है, एक गरीब के मन में जो उनके मोदी जी के प्रति लगाव है। चूंकि आप देखते हैं कि मोदी जी आपको अपने बीच की लगते हैं, हमेशा गरीब की बात करते हैं और उसी गरीबी से वो भरकर चले। कलेक्ट्रेट में दिल्ली देहरादून हाईवे किसान संघर्ष समिति ने NHAI की मनमानी और प्रशासन की वादाखिलाफी के खिलाफ सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें खाप चौधरी और भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिरकत भी की है। जहां धरना प्रदर्शन के उपरांत किसानों ने एक 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन DM को सौंपा, सभी मांगों को शीघ्र पूरा किए जाने की मांग की है। कानपुर में हुई हिंसा की घटना के बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते शामली पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहों, बाजारों एवं गली मोहल्ले में फ्लैग मार्च निकाला। शामली पुलिस ने शरारती तत्वों को चेतावनी दी है कि अगर किसी भी शरारती तत्व ने कहीं पर भी माहौल खराब करने की जरा सी भी कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। भूमि पैमाइश करने पहुंचे राजस्व और पुलिस टीम पर हमला हुआ है। दबंगों ने पथराव कर दिया, पुलिसकर्मी जिसमें घायल हो गए। पुलिसकर्मियों ने आधा दर्जन आरोपियों को हिरासत में लिया है। घटना के बाद ASP और CO ने मौके का जायजा लिया। शांति व्यवस्था के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात है। सुनवा थाना क्षेत्र के शाहपुर कठौतिया गाँव का पूरा मामला। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।